नमस्कार दोस्तों, NIS के सजीव प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक बुधवार को NIS से व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनका सजीव प्रसारण 2 बजे से 3 बजे तक होता है। इस दौरान आप व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम NIS जिनको ऑफर करता है पूरे देश में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से किस तरह से स्किल और रोजगार की जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी है, उसको कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में खासतौर से आप जानते हैं। साथ में आप कई बार जो चिकित्सा से संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में भी आप ये कार्यक्रम देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा जीवन शैली संबंधित रोगों से बचाव एवं प्रबंधन, ये इसी क्रम में तीसरा कार्यक्रम है जो हम आपके लिए लाए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, ख़ासतौर से NIS के जो लर्नर्स हैं, NIS से जो कुछ कहीं ना किसी किसी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सभी अपने दर्शकों का और उन सभी लोगों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे साथ कार्यक्रम के संदर्भ में जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर रजनी दुबे। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रजनी जी हमारे साथ आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं और NIS के पाठ्यक्रमों में जुड़ी हुई हैं। साथ में बहुत सारी चीज़ों में ये उपचार के और विभिन्न तरीके से, चूँकि इनका कार्य ही चिकित्सा का है, तो ये वो भी कार्यक्रम हमारे साथ में ज्वाइन करती हैं और बीच बीच में ट्रेनिंग भी देने का काम करती हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर रजनी जी रहेंगी इस कार्यक्रम में। साथियों, मैं आपको पिछले कार्यक्रम के विषय में बताना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 इसी कार्यक्रम पे हम बातचीत कर चुके हैं, जिसमें ख़ास तौर से हमने जीवन शैली संबंधित जो मुख्य रोग हैं, पाचन विकार, रक्तचाप, हृदय संबंधित विकारों का प्रबंधन, तनाव, पीठ दर्द, सर्वाइकल व स्पॉन्डिलाइटिस, मधुमेह यानी डायबिटीज़, मोटापा, आघात, कैंसर और भी कुछ रोग हैं। तो ये मुख्य रूप से जो जीवन शैली संबंधित रोग हैं, इनमें से हम पीछे जो बातचीत कर चुके हैं, पाचन विकार से संबंधित बात कर चुके हैं डॉक्टर रजनी मैम। हाँ जी, कर चुके हैं। और हमने रक्तचाप की बात की, ब्लड प्रेशर लो होता है, कई बार हाई होता है, हृदय संबंधित विकारों की भी हमने बातचीत की थी, हालांकि उस पर थोड़ा सा कम फोकस हुआ था, आज हम उसको लेकर चलेंगे। तनाव पर हमने बातचीत की है, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के यौगिक प्रबंधन के माध्यम से कैसे तनाव को दूर किया जा सकता है। पीठ के दर्द की और सर्वाइकल व स्पॉन्डिलाइटिस पर भी पीछे हम बातचीत कर चुके हैं। हमारे इन दोनों कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार यौगिक प्रबंधन में इसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, क्योंकि जो आम तौर पर सामान्य हम देखें कि रूप से जो हमारे ये जीवन शैली संबंधित रोग हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दवा काम नहीं करती, लेकिन कुछ घरेलू चिकित्साएँ हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, औषधियाँ हैं, जिनको लेकर के और यौगिक प्रबंधन के माध्यम से या एक्यूप्रेशर के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इन पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और हम इनको ठीक भी कर सकते हैं। तो आज खास तौर से जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो मधुमेह यानी डायबिटीज़ पर, मोटापा, कैंसर पर हम बात करेंगे, 3-4 टॉपिक्स हमारे खास तौर से हैं। साथ में एक और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे योग के संदर्भ में। NIS चूँकि योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अब पूरे देश में संचालित कर रहा है और योग से संबंधित अब स्टेट में चैम्पियनशिप हो रही हैं, योग की चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल लेवल पर भी अब योग चैम्पियनशिप आयोजित की जा रही हैं। तो बांग्लादेश में अभी हमारे एक
योग के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर गोपाल जी, उनके साथ हम बातचीत करवाएंगे कि योग कितना महत्वपूर्ण है और लोग किस तरह से आज योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी नाम कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं जीवन शैली संबंधित मुख्य रोग में। आज थोड़ा सा फोकस करें हम सबसे पहले हृदय रोग प्रकार मुख्य कारण। तो हृदय से संबंधित बातचीत हमारी पीछे हुई थी। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप, उसकी वजह से भी हृदय रोग होता है। जिनको हृदय वाहिका रोग या कोरोनरी धमनी रोग जिसे हम कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा किसी ना किसी तरह से वो अपने फूड के माध्यम से ले रहे हैं और उनकी जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिससे प्रॉब्लम होती है। और हार्ट अटैक आप सामान्य हैं, जानते ही हैं, ये दोनों जब होते हैं तो फिर तीसरे नंबर पर हार्ट की प्रॉब्लम जो है यानी अटैक वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर रजनी जी आपको बताएंगी कि हाई ब्लड प्रेशर के कुछ सामान्य कारण और हृदय रोग संबंधित, ये धमनी से संबंधित ये जो मैटर है। जैसा कि डॉक्टर पवन ने बताया कि हृदय रोग तीन कारण से होता है, मगर जो बेसिक कारण होता है हृदय रोग का वो आपका लाइफस्टाइल ही है। जो लोग बहुत धूम्रपान करते हैं, बहुत फैटी फूड खाते हैं और उसके बाद बैठे रहते हैं, कोई दिनचर्या नहीं करते हैं और उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंट्री है, मतलब मूवमेंट बहुत कम है, जंक फूड बहुत खाते हैं, रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, इस तरह के लोगों की जो आर्टरीज होती हैं या जिन्हें धमनियाँ कहते हैं, उनमें ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है और ये ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होती है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब सबसे पहला इंडिकेशन आता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। आप जब चलते हैं तो आपको सांस फूलने लगता है, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसके बाद जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है तो सेकेंड स्टेज आ जाती है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। जब कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में भी आप अपनी केयर नहीं करते हैं तो फिर थर्ड स्टेज आ जाती है हार्ट अटैक। इसके अलावा भी ब्लड प्रेशर के और कारण हैं, जैसे स्ट्रेस। कई बार इतना स्ट्रेस होता है, आजकल बच्चों में भी इवन स्ट्रेस देखने को मिल जाता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, होमवर्क का स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण भी हाइपरटेंशन हो जाता है, उसके कारण नींद नहीं आती है। या हम ये कह सकते हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस होने से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण हार्ट डिजीज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है आपको डॉक्टर रजनी जी ने, जो फिजिशियन है, चूँकि देखती रहती हैं, इनके पास पेशेंट्स आते रहते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके आधार पर इन्होंने बताया। और वास्तव में बात ठीक भी है कि यदि आप अपने फूड में बहुत ज़्यादा फैटी फूड ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप सात्विक भोजन नहीं ले रहे, तब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और बहुत ज़्यादा ये जब ब्लड प्रेशर बढ़ता ही इसलिए है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें, कि ब्लड को आगे पंप करना उसके बहुत मुश्किल हो जाता है। और जितनी मात्रा हमारे हृदय को चाहिए उतनी मात्रा ब्लड की जो है मिलती नहीं है, यही कारण है कि अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से बहुत सारी और भी बीमारियां हो जाती हैं, और इस तरह की जो बीमारी है उसको हम, क्योंकि कोरोनरी धमनी रोग भी इसको हम कह देते हैं, और बाद में जो स्टेज है वो हार्ट अटैक की स्टेज आती है। कई बार मानसिक तनाव इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। तो हमेशा हंसते रहें, खुश रहें। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये कार्यक्रम है, जो लोग इसको देख रहे हैं, चूँकि NIOS से संबंधित ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके लिए खासतौर से ये कार्यक्रम है, तो वो लोग इस कार्यक्रम को सीधा सीधा हमसे प्रश्न कर सकते हैं जहाँ उनको आवश्यकता लगती है। हमारा जो टोल फ्री नंबर है एक बार हम आपको बता देते हैं, 1800 180 2543, और हमारा ईमेल है vagda@nios.ac.in।
आप इस पर हमसे बातचीत कर सकते हैं, मेल के माध्यम से भी आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं और जानकारी आप ले सकते हैं। हाँ, देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं। यदि इस तरह का मान लो कोरोनरी धमनी रोग है आपको, तो आपको कैसे पता लगेगा? आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, जकड़न हो जाती है, भारीपन लगता है, दबाव बहुत ज़्यादा होता है, जलन होती है, सांस लेने में कठिनाई है, आपके बाएं कंधे में दर्द होता है, चक्कर आपको आते हैं, बहुत पसीना आपको आता है। यदि ये सिम्टम्स कहीं आपको लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको कोरोनरी धमनी रोग हो सकता है, यानी हृदय संबंधित रोग यदि है कहीं कोई भी, तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसके आधार पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि रोकथाम कैसे की जाए। प्रिवेंशन सबसे पहले, यानी बचाव सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। यदि आप बचाव कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप बीमार नहीं होंगे। तो वैसे तो रोकथाम के लिए आहार परिवर्तन, स्वस्थ जीवन शैली हो, दिनचर्या का पालन आप करें, नियमित व्यायाम करें, योग अभ्यास करें, धूम्रपान मद्यपान पर पूरी तरह से अंकुश रखें, बीपी यानी ब्लड प्रेशर और तनाव से पूर्ण रूप से बचें, ये इसकी रोकथाम है। डॉक्टर साहब, आपके पास जिस तरह के पेशेंट आते हैं इससे संबंधित, जो हृदय रोग से संबंधित हैं, हाँ, तो किस तरह का आपका अनुभव रहा है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? यूजुअली जो इस तरह के लोग आते हैं वो एक तो मोटे बहुत होते हैं जी, और एक उनका खान पान बहुत ही गलत होता है। ना उनके कोई खाने का समय होता है, ना उनके कोई सोने का समय होता है। खाने में वो खूब फ्राइड स्पाइसी, अगर ऐसा नहीं होगा तो बाहर का मैदा प्रोडक्ट, जंक प्रोडक्ट बहुत खाते हैं। कॉर्पोरेट्स वाले जो लोग होते हैं, जो कहते हैं कि हमारा तो जी बिना अल्कोहल और ड्रिंक और स्मोक के काम नहीं चलता है, उस तरीके के लोग बहुत हमें देखने को मिलते हैं। मतलब आप ये सोचिए 30+ में ही ये लोग हमको देखने को मिल जाते हैं। पहले तो हार्ट डिजीज़ काफ़ी लेट होते थे, बट अभी 30+ में ही जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं वो बहुत तनावपूर्ण माहौल में रहते हैं और ऐसे ही खान पान का सेवन करते हैं। तो ऐसे इस तरीके के लोग हमको क्लिनिक पे बहुत देखने को मिलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक बताया कि हमें एक तो आहार का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, सात्विक आहार लें, सात्विक आहार के साथ स्वस्थ जीवन शैली रखें। देखिए दिन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तनाव को पाल के मत रखिए। या किसी तरह से टेंशन होता है तो उसको आप बिल्कुल मन पे, अपना दिल पे मत लीजिए, उसको बचने की कोशिश करिए उससे, और उसको भी हंसी में आप टालने की कोशिश करिए। ऐसा महसूस करें कि जिसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए। योग और नियमित अभ्यास आप अवश्य करें, योग से संबंधित कंट्रोल करें अपने पूरे वजन को। जैसा मैडम ने बताया, भी डॉक्टर रजनी जी बता रही हैं कि मोटापा जो है वो बहुत इसके लिए बड़ा कारण है। तो वजन ना बढ़ने दें और धूम्रपान वगैरह ना करें। तो ये इन कारणों से आप जो है किसी तरह से बचाव करते हैं तो बहुत बड़ी, हमारी कहना चाहिए कि एक तरह से हृदय से संबंधित जो आघात हैं उनसे हम बच सकते हैं, और आगे जो होने वाला जो हार्ट अटैक जिसे कहते हैं उससे हम पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें हमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, योग करते रहें, यही यौगिक प्रबंधन है। योग करें और नियमित दिनचर्या को पालन करें, और घी तेल जितना कम कर सकें उतना लें, और लहसुन अपने खाने में बढ़ाएं। चाहे तो खाली पेट लहसुन का सेवन कर सकते हैं, मेथी दाना का सेवन कर सकते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल, ये जो घरेलू चिकित्सा है ये कहीं भी आप घर पे बैठ कर कैसे कर सकते हैं, और चूँकि प्राकृतिक रूप से बिल्कुल ठीक चिकित्सा है, आप इसमें कहीं कोई अलग से कुछ नहीं मिला रहे हैं, तो घर पे लहसुन भी आपको मिल जाएगा, मेथी भी आपको मिल जाती है। तो आप कैसे ले सकते हैं ये डॉक्टर रजनी आपको ज़रूर बताएं कि यदि आपको लहसुन लेना है तो किस तरह से आप ले सकते हैं। लहसुन वैसे तो खाली पेट आप 1 से 2 फांक ले सकते हैं, मगर ऐसा होता है कि हर इंसान की अपनी प्रकृति होती है। अगर आपको लहसुन ज़्यादा लेने से जलन होने लगती है, आपको लगता है कि मेरे को बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो आप 2 लहसुन को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उठकर सिर्फ उसका पानी पी लें। और ऐसा ही आप मेथी दाना के साथ कर सकते हैं, रात में मेथी भिगो दें और सुबह उठकर
मतलब आधा चम्मच मेथी एक कप पानी में भिगोएं और सुबह उठकर पहले आप लहसुन का पानी पी लें, उसके एक घंटे बाद आप इस मेथी के पानी को पी सकते हैं और अगर मेथी चबा सकते हैं तो मेथी भी चबा लें। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक बताया। और हम अब आते हैं मधुमेह पर यानी डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ हम इसको कहते हैं, डिसऑर्डर हम कह सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारे देश में इस समय डायबिटीज़ जो है वो यदि आकलन किया जाए तो जो डाटाबेस मिलता है उसमें 5-6% को डायबिटीज़ कहीं ना कहीं आ रही है उसके पास में। तो इस पे कंट्रोल कैसे करें, सबसे पहले हम डायबिटीज़ के बारे में जानें, डायबिटीज़ है क्या। देखिए डायबिटीज़ एक जो है चयापचय संबंधी बीमारी है और ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक यदि आपके रक्त में उच्च शर्करा जो है बनी रहती है, यानी शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा बनी रहती है, उसका स्तर सामान्य नहीं होता है, तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से आपको बीमारी हो रही है। सामान्यतः रक्त में शर्करा के उच्च स्तर को ही हम मधुमेह कह देते हैं। यदि हम इसको देखें तो 3-4 प्रकार की ये होती है। इंसुलिन आश्रित मधुमेह यानी IDDM यानी type 1, इस वर्ग में किसी भी कारणवश जो हमारा पैनक्रियास है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता तो इसको हम कहते हैं IDDM यानी type 1 डायबिटीज। कारण इसका पता नहीं लगा है क्यों होता है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि पैनक्रियास आपका प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रहा है जितना आवश्यक है, और इंसुलिन का काम है रक्त में शर्करा का जो स्तर है उसको कम करना। सेकंड है इंसुलिन अनाश्रित मधुमेह यानी NIDDM। ये क्या है, इस वर्ग में यानी इस तरह की बीमारी में जो हमारा पैनक्रियास है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन तो बनाता है लेकिन वह ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाती, तो इसको हम type 2 डायबिटीज कहते हैं। तीसरे नंबर का जो गर्भाविधि है ये मधुमेह जो है इस तरह की है जिसमें गर्भवती महिलाओं को उच्च रक्त शर्करा उनके उसमें बनी रहती है रक्त में, उसका स्तर बड़ा होता है। और जो चौथी प्रकार की है इसको सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं, इसमें बहुत आसानी से इलाज हो जाता है, ये स्टार्टिंग या हम कह सकते हैं प्री स्टेज होती है और कुछ दवाइयाँ जो चल रही होती हैं उनकी वजह से कई बार हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर का इलाज करने से भी इस तरह की प्रॉब्लम कई बार जो है वो हो जाती है, तो यदि हम दवाओं का कंट्रोल करते हैं तो निश्चित रूप से ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। इनमें से किसी प्रकार की डायबिटीज़ आपके आपके जानकारी में है या किसी को है तो आप उसके सिम्टम्स कैसे जानेंगे, हम डॉक्टर रजनी जी से पता करते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार के पेशेंट आपके पास डायबिटीज़ को लेकर के आते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 4 तरीके की डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, गेस्ट्रेशनल एंड सेकेंडरी डायबिटीज़। यूजुअली जो आते हैं वो IDDM और NIDDM वाले आते हैं, तो इंसुलिन डिपेंडेंट वालों को अगर आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, कुछ मेडिसिन बताते हैं, कुछ डाइट कंट्रोल बताते हैं तो उनका इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, बट पूरी तरह से इंसुलिन डिपेंडेंसी छुड़वाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये कंजनाइटल होती है। इसे अभी डॉक्टर ने बताया कि जुवेनाइल डायबिटीज़ है ये, तो कई बार ये इनबॉर्न होती है। एंड सेकेंडरी जो होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, उसके अंदर जो हम हैं अधिकतर इलाज करते हैं और इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो 3 हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया में बहुत प्यास लगती है, पॉलीफेजिया में बहुत पेशेंट को भूख लगती है और पॉलीयूरिया में उसको यूरिन बार बार आता है, उसका वेट कम होने लगता है,
वो जल्दी थक जाता है और अगर उसको कोई चोट लग जाती है तो वो हील होने में टाइम लगता है। ये मेन सिम्टम है। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो मैं आपको आयुर्वेद के हिसाब से बताना चाहूँगी, जिसे देखकर आप झट पहचान सकते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है, वो ये है कि अगर पेशेंट कहीं पर खड़ा है तो वो बैठने की जगह ढूंढता है। अगर उसको बैठने को मिल जाता है तो वो थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करता है, और अगर रेस्ट करने को मिलता है तो वो लेटने की कोशिश करता है। मतलब वो ऑलवेज उसको रेस्ट और ईज चाहिए होती है, क्योंकि बहुत आलसी हो जाता है वो, और ये आलस ही उसकी शुगर को बढ़ाने का कारण है। तो सिम्टम्स जब हम देखें मधुमेह के क्या लक्षण हैं, तो हम देखें कि जिन लोगों को अत्यधिक प्यास लगती है, अत्यधिक भूख लगती है, या अत्यधिक यूरिन जाना पड़ता है, वजन कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, जल्दी थक जाते हैं, चोट या घाव बहुत देर से भर रहा है, ये जो स्थिति है। लेकिन जो आप लास्ट का सिम्टम देखें, चोट या घाव का देर से भरना, ये जो है काफ़ी लेट सिम्टम्स है। ऐसा नहीं है जल्दी में किसी को थोड़ा सा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसको ये नहीं इतनी जल्दी से दिखेगा, लेकिन जल्दी थक जाना, वजन लगातार कम होते चले जाना, अत्यधिक यूरिन का आना, ये अत्यधिक भूख लगना, इन सिम्टम्स के आधार पर आप इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि लगता है डायबिटीज़ के ये लक्षण हैं, तो इस आधार पर हम चेकअप कराएं। और यदि आप चेकअप कराएंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि ये जो सारे सिम्टम्स देख रहे हैं, कई बार अत्यधिक प्यास लगती है तो ये नहीं मान के चलना है कि मतलब मधुमेह हो ही सकता है, लेकिन फिर भी हमें चेकअप करा लेना चाहिए। हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, रोकथाम, बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आहार परिवर्तन, सबसे पहले हम अपने फूड पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें, स्वस्थ जीवन शैली, दिनचर्या का पालन करें, नियमित योग अभ्यास करें, व्यायाम करें, और मोटापे को बचा के रखें, यानी वजन का नियंत्रण करके रखें, और धूम्रपान मद्यपान पर भी अंकुश रखें। तो ये प्रिवेंशन बचाव हम कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि हम यौगिक प्रबंधन की बात करें या नियमित अभ्यास की हम बात करें, तो देखिए नियमित अभ्यास में तो कुछ ऐसे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे आपका कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हाथों के संधि संचालन हैं या पैरों की संधि संचालन के अभ्यास हैं, षटकर्म में थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, जल नीति कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। और आसन में देखें तो सामान्यतः टीटी के यानी तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन और कटी चक्रासन, भुजंगासन, गौमुखासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, ये भुजंगासन, गौमुखासन और अर्धमत्स्येन्द्रासन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। योग मुद्रा भी काफ़ी लाभदायक है। और जो लोग ये सब नहीं मान लो कर पाते हैं, जो सूर्य नमस्कार भी लगातार कर रहे हैं, और सूर्य नमस्कार के तीन चक्र पहले दो से शुरू करें, दो चक्र और तीन चक्र नियमित आप ठीक से करते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक इस पे एक नियंत्रण बना रहता है और बचाव होता है। तो जिन लोगों को ऐसी संभावना लगती है कि हमें डायबिटीज़ का स्तर कहीं बढ़ता नज़र आ रहा है या हो सकती है आगे फ्यूचर में, तो वो थोड़ा योग अभ्यास पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से उनको इस पर नियंत्रण मिल जाएगा। और यदि प्राणायाम की हम बात करें तो नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम ये हम कर सकते हैं। षटकर्म के अभ्यास में एक और हम जैसे कि कपालभाति है, उसका हम जरूर मतलब उपयोग में लाते हैं, तो उसका भी बड़ा फायदा उसका मिलता है। और विश्राम फिर अवश्य करें, ऐसा नहीं है कि योग में आपने दो तीन आसन जैसे सीख लिए तो उसको करने के बाद में नहीं, अर्धमत्स्येन्द्रासन हमने कर लिया बाकी की आवश्यकता नहीं है। तो आसनों के बाद में एक दो प्राणायाम करें, ओम चैंटिंग जरूर करें, और फिर लेट करके आपका शवासन अवश्य करें या योग निद्रा अवश्य करें। हाँ, यदि हम प्राकृतिक घरेलू चिकित्सा हम देखें तो इसमें एक
चार पांच चीज़ों को मिला करके हम घर पे बना सकते हैं। लहसुन छिला हुआ 25 ग्राम ले लें, अदरक ताज़ा होना चाहिए 50 ग्राम लें, पुदीना ये भी फ्रेश ले लें 50 ग्राम हो, अनारदाना खट्टा ये भी 50 ग्राम हो। इन चारों चीज़ों को पीस करके एक चटनी बना लें और चटनी बना करके सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच ले सकते हैं। काफ़ी उपयोग वाली दवा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से संबंधित, हम उनसे ज़रा बात करते हैं। हेलो हेलो लगता है टेक्निक हेलो शायद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ये चारों चीज़ों की चटनी यदि हम इस्तेमाल करते हैं सुबह दोपहर शाम तो बहुत ही रामबाण साबित हो सकती है हम सभी के लिए। इसके साथ नीम सीड भी हम यूज़ कर सकते हैं, नीम की निवोली से जो निकलती है। करेला की सीड हम ले लें, जामुन के सीड हम ले लें, बेलपत्र हम ले लें, गिलोय का तना हम ले लें और त्रफला। ये खास तौर से जो डॉक्टर रजनी दुबे हैं हमारे साथ में इसके बारे में बताएंगी आपको कि किस तरह से इसका हम चूर्ण बना सकते हैं और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के जो सीड्स होते हैं जिन्हें निबोली कहते हैं वो आप ले लीजिए, और जो आपके घर में करेला आता है तो करेले के बीज निकाल के सुखा लीजिए। जामुन, बेलपत्र, बेलपत्र आयुर्वेद में स्पेशली कहा गया है कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो जो शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़े होते हैं आप उन बेलपत्र का इस्तेमाल करें, उन बेलपत्र को ले लें। और जो आपने देखा है गिलोय की बेल होती है, बेल में जो उसका तना होता है वो आपको लेना है, और त्रिफला चूर्ण जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला तीन चीज़ें होती हैं, या तो आप वो तीनों अलग अलग ले लें और तीनों की जो क्वांटिटी है वो उतनी होनी चाहिए जितनी बाकी चीज़ों के। मान लीजिए आपने सीड्स 50-50 ग्राम लिए हैं तो त्रिफला भी टोटल 50 ग्राम ही होना चाहिए। इन सबको पीस मात्रा के मात्रा जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल। इन सबको पीस कर पत्र अगर आप फ्रेश लेते हैं तो पत्रों को पहले सुखा लें क्योंकि गीले पत्र सूखेंगे नहीं। इन सबको पहले अच्छे से सुखा लें और सुखा कर इन सबको मिक्सी में पीस कर और एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें इसका पाउडर बना के, और खाना खाने से 20 मिनट पहले आप इसका सेवन करें और उसके बाद खाना खाएं, क्योंकि खाना खाने से पहले ही इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और जब आप खाना खाते हैं तो ब्लड में शुगर आ जाता है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हमेशा शुगर की मेडिसिन खाने से 20 मिनट पहले ही दी जाती है। तो त्रिफला मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यूजुअली डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनका स्टमक अपसेट रहता है तो त्रिफला से उनका स्टमक भी ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी एक चटनी बताई थी, उस चटनी में भी अगर आप चाहें तो बेल पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो चटनी और भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो NIOSH के स्टूडेंट्स हैं खासतौर से वो ज़रूर इन चिकित्साओं का ध्यान रखें। क्योंकि देखिए एक कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ सर नमस्ते। जी नमस्ते सर, मेरा बायां साइड का चेस्ट दर्द करता है, मैं टेस्ट कराया, इको कराया और ECG कराया तो भी आराम नहीं मिला, ब्लड टेस्ट की करवाया। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सतना जिला से बोल रहा हूँ सर। जिला सतना से, शुभ नाम क्या है आपका? अनिल विश्वकर्मा। अनिल जी, आपने इको वगैरह कराया था? जी जी जी, नागपुर में मैं कराया इको। तो रिपोर्ट में क्या आपको आया? कुछ नहीं निकला, सर। कुछ नहीं निकला है? ओके। नहीं, हाँ वो घबराहट होने लगती है, पसीना, कहीं दर्द करेगा, कहीं जलन देगा, इसलिए। अच्छा ठीक है, तो आपको ये तो मान के चलिए कि हृदय से संबंधित तो कोई इस तरह का रोग नहीं है। हम आपको डॉक्टर रजनी जी आपका जवाब देती हैं, ठीक है जी, बताइए डॉक्टर रजनी जी। हाँ विश्वकर्मा जी, जैसे आपने बताया कि आपके जो टेस्ट हैं वो सारे नॉर्मल आए हैं, मगर आपको घबराहट होती है, जलन होती है और चेस्ट में पेन होती है। सब लर्नर्स को मैं बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ चेस्ट पेन को हम लोग कार्डिक
सिम्टम मान लेते हैं, तो हमेशा एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि जब भी आपको चेस्ट में पेन होगा तो वो आपके बाय शोल्डर और हैंड में रेफ़र करेगा, वो कभी भी एक ही जगह स्टैग्नेट नहीं होगा। और अगर वो रुक रुक के हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका रीज़न कहीं और है। विश्वकर्मा जी, अगर आपको कब्ज़ रहती होगी या एसिडिटी रहती होगी तो आप अपनी कब्ज़ और एसिडिटी का इलाज करें। मैं कब्ज़ के लिए मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था, अभी फिर बता देती हूँ। आप थोड़ा सा जीरा ले लें, अजवाइन ले लें, जीरा अजवाइन और साथ में त्रिफला ले लें, और अगर त्रिफला मिल सके तो त्रिफला ले लें, त्रिफला ना मिले तो छोटी हरड़ ले लें। इन सबको अरंडी के तेल में भूनकर ठंडा करके इसका पाउडर बना लें और इस पाउडर को दिन में दो बार लें। इससे आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपकी चेस्ट का पेन भी चला जाएगा, आपकी जलन घबराहट सब दूर हो जाएगी। आप ये करिए और उसके बाद आप हमें बताइए। और विश्वकर्मा जी, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, क्योंकि एक तो आप अपना वजन का ध्यान रखिए, साथ में यदि आपको थकावट होती है तो उसके लिए आप सुबह प्रातःकाल अपना यौगिक प्रबंधन यानी योग के कुछ अभ्यास जरूर करिए, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और सात्विक भोजन लीजिए जो अपच वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, तो निश्चित रूप से आपका ये जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। कई बार गैस का प्रॉब्लम होने की वजह से भी इस तरह का दर्द होता है, तो हमें लगता है कि सिम्टम्स जो है कहीं हार्ट से संबंधित है, तो ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर रजनी जी, हम मोटापे की बात करते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, मोटापा जो है, और मोटापा बढ़ क्यों रहा है, ये हम इस पर चर्चा करने लगे तो ये भी बड़ी बात होगी। इसके तो अनलिमिटेड रीज़न हैं, बहुत सारे रीज़न हैं बिल्कुल। तो मुख्य मुख्य जो कारण हैं उसका हम देखें, पहले तो हम बताएँ कि मोटापा स्थिति है क्या। मोटापा जो है अत्यधिक मात्रा में वसा जमा हो जाती है हमारे स्वास्थ्य पर, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालती है, और विभिन्न तरीकों से उसको मापा जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ मोटापा की। तो ये कोई कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम जरा इनसे बात करते हैं। हेलो जी, जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बोलिए। हेलो जी। हाँ, जी मैं विजय बोल रहा हूँ। जी विजय जी बताइए। सर मैं जो एक सोरायसिस था स्किन का डिजीज। हाँ तो सर मुझे जो है, हमने इलाज करीब 11 सालों से है। जी तो 11 सालों से है, तो इसके बाद मैंने जो है पटना में जाके दिखाया था। जी इंदिरा गांधी में। जी तो उसमें सर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, शुगर 242 था। जी जी और तो अभी मैंने जो है 10 दिनों के बाद फिर जांच कराया तो 110/130 आ रहा। अच्छा शुगर ठीक है। और सर घुटने उठने का जो दर्द था वो सब ठीक है। ठीक है, हम आपका बात का जवाब देते हैं। और एक चूंकि छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, टाइम भी हो रहा है, ब्रेक लेने के बाद हम आपकी जो बात है उस पर चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं आपकी प्रॉब्लम स्किन से संबंधित आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं पहले। आप लोग कहीं जाइए नहीं, कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए। तेरा हिंदुस्तान तुझे भूल।
शोला बन के लड़ता रहा, जिस मौके जख्म नहीं देखे बस आगे बढ़ता रहा। दुश्मन का हौसला चूर किया, उन्हें हारने पे मजबूर किया। जब गोली लगी तेरे सीने पे, तब ठहर गई मेरी सांसें। जब तूने मुझे अलविदा कहा, तो बरस पड़ी मेरी आंखें। सूरज की तरह ताबिंदा है तू, मर के भी तो जिंदा है। मेरे खेतों में खलिहानों में तू लहराए, मेरी फसलों में तेरी ही झलक दिखे मुझको, मेरी आने वाली नस्लों में। तूने जो खाया नमक मेरा, उसका पूरा हक अदा किया। कुर्बानी किसको कहते हैं, सारी दुनिया को बता दिया। हर हिंदुस्तानी कहता है तू उसके लहू में बहता है। तेरे माता पिता बीवी बच्चे रहते हैं मेरी पनाहों में। कभी आज नहीं आने दूंगा, कभी आज नहीं आने दूंगा, रखूंगा उन्हें निगाहों में। मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे हिंदुस्तान। एक बार पुनः आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, और हमारे साथ स्टूडियो में एक और हमारे योग के विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर गोपाल जी। मैं डॉक्टर गोपाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और डॉक्टर गोपाल जी योग विशेषज्ञ हैं, विशेष रूप से हम इनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। हमारे कार्यक्रमों में आप जुड़े रहते हैं, और साथ ही जो ग्लोबल योग अलायंस है उसके आप प्रेसिडेंट हैं। आप जो मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, वहाँ आप डायरेक्टर के रूप में रहे हैं, और योग में आपकी बहुत बड़ी भूमिका आज है। हम देखते हैं कि योग में एक के बाद एक नई उपलब्धि की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ योग अभ्यासी भी इनकी टीम में शामिल हैं। योग में उपलब्धियां, ढाका बांग्लादेश में योग चैंपियनशिप आपने ऑर्गेनाइज कराई थी, और उसके बारे में आप ये देखेंगे, ये जो पिक्चर है इसमें इसका उद्घाटन करते हुए डॉक्टर गोपाल जी और बांग्लादेशी लोग, हमारे यहाँ की टीम के लोग।
डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जी, अभी हाल ही में 27 जुलाई को ढाका बांग्लादेश में प्रथम एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 5 देशों ने भाग लिया, भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, हांगकांग और थाईलैंड। और इसमें भारत ने, क्योंकि योग हमारी विधा है, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन करते हुए हमारे बालक बालिकाओं ने 22 स्वर्ण पदक जीते, रजत और कांस्य पदक जीते और भारत का परचम लहराया। प्रथम एशियाई कप भारत को मिला और बहुत ही सुंदर प्रदर्शन हमारे देश के बच्चों का उसमें रहा। खुशी की बात यह है कि अभी हाल ही में जो एक भारत सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया कि उसमें योग, यद्यपि आयुष मंत्रालय देख रहा है, लेकिन आयुष मंत्रालय ने एक और जो निर्णय लिया है कि योगासन को अब खेलकूद के रूप में हमारे देश में भारत सरकार का खेल मंत्रालय मान्यता देने जा रहा है। ये हमारे तमाम देश के नौजवान और बच्चों के लिए बहुत ही सुखद निर्णय है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ भारत के लाखों नौजवान बच्चे बच्चियाँ इस प्रकार इस क्षेत्र के माध्यम से आगे आएंगे योग के क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से हमारे भारत सरकार की, आयुष मंत्रालय की एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि भी है और उनका एक बहुत बड़ा डिसीजन भी है। रोजगार के क्षेत्र में एक नए उपलब्धि के रूप में आप ये सब देख रहे हैं कि चैंपियनशिप अब योग में होने लगी है और स्टेट चैंपियनशिप, नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में अब एशियन की शुरुआत हुई है। तो डॉक्टर गोपाल जी अपनी टीम के साथ में इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, जो एक हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है और इसमें बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं हमारे देश के जो योग के युवा हैं उन्होंने जीते हैं, जैसा कि आपको डॉक्टर गोपाल जी ने बताया। तो अच्छा लगा हमें, योग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को और यहां तक अपने संस्थान में हमारे प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जो अध्यक्ष हैं इस NIS के संस्थान के और निदेशक हैं डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल व्यावसायिक शिक्षा के, उन्होंने भी काफ़ी एक बड़ा योग के लिए आगे बढ़ाने में पूरा मतलब प्रयास किया है और उसको आगे बढ़ाया है। उनके मार्गदर्शन में कई चीज़ें हमने भी इसमें उपलब्धि के रूप में जोड़ी हैं, जैसे योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको हमने लॉन्च किया और आज काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिजिकल योग एजुकेशन, ये प्रोग्राम हमने सीनियर सेकेंडरी लेवल पर अभी इंट्रोड्यूस किया है। और भी नेचुरोपैथी की दिशा में यदि हम बातचीत करें तो प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम ये हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके आधार पर हम जो है ये कह सकते हैं कि योग में आने वाला जो भविष्य है वो काफ़ी उज्ज्वल है। तो आइए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, देखिए पहले एक कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी। जी हम अनिल विश्वकर्मा बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ बोलिए। मेरा सीना दर्द कर रहा सर, सब टेस्ट करवा डाले को और ये ECG होता है और टेस्ट क्या थायराइड भी है, तो क्या उसके कारण सीना दर्द कर रहा। एक पिछले साल मैं ठंडी आइसक्रीम खा लिया था उसके कारण सीना दर्द, पसीना पसीना हो जाता सर, कभी घबराहट। अभी हमने आपकी बात पहले सुन ली थी और पहले भी मैंने बताया था कि ये जो आपको सीने में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, वो आपके पेट की खराबी के कारण हो रही होगी। ठंडी चीज़ें जैसे आपने ज़्यादा खा ली हैं और तला भुना ज़्यादा खाते होंगे, मिर्च ज़्यादा खाते होंगे, तो अपने खाने में मिर्च को कम कर दीजिए, फ्राइड चीज़ें खाना कम कर दीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सुबह योगिक क्रिया करिए और जो मैंने योग बताया था रात में खाने के लिए उसे खाइए। थायराइड भी एक मेटाबॉलिक चयापचय के कारण होने वाली परेशानी है, तो जब आप रात में ये जो मैंने खाने को कहा है ये खाएंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा और ये आपके थायराइड में भी हेल्प करेगा। आप इसे शुरू करिए, उसके बाद आप NIS के कांटेक्ट में रहिएगा और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मोटापे की हम बात कर रहे थे, मोटापे में देखिए मोटापे का सबसे बड़ा एक वैसे तो पहचान करने के लिए कई मेजरमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन आप अपनी जो हाइट है
उस हाइट में, जैसे मान लीजिए आप 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, उसमें से आप अपना वजन देखिए कितना है। आप कहते हैं जी 60, तो उसमें से आप 60 निकालिए, यानी 100 निकाल दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा 150 में से यदि 100 आप निकालते हैं और 50 बचता है, तो आपका जो नॉर्मल जो वेट होना चाहिए वो आपका 50 किलोग्राम मतलब होना चाहिए। लेकिन यदि आपका ज़्यादा है इससे, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वजन आपका ज़्यादा है। और यदि आप बहुत ज़्यादा हैवी होते चले जा रहे हैं, वजन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर फैट की मात्रा ज़्यादा है और मोटापे की स्थिति वाकई आपको बहुत ज़्यादा हो गई है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं ऊर्जा के सेवन उपयोग के बीच असंतुलन है, यानी कि आप काम नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आराम ज़्यादा हो रहा है। ऊर्जा आप खर्च नहीं कर रहे हैं जितना आप खाने में ले रहे हैं, यानी जो अधिक चर्बी बढ़ गई है वो चर्बी आपकी कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा परिश्रम आप नहीं कर रहे हैं। तो आसान जीवन शैली जो है इसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी बनता है, तो परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। धूम्रपान, तनाव, हार्मोन्स का इम्बेलेंस यानी असंतुलन, ये भी इसमें एक मेन कारण है, और आनुवंशिक रूप से भी कई बार इसको देखा जाता है। सिम्टम्स यदि हम देखें तो सांस का फूलना, पसीने में वृद्धि यानी पसीने आना, प्रतिदिन बहुत थकान महसूस करना, बहुत तेज़ आवाज़ में खर्राटे लेना सोते वक्त, पीठ और जोड़ों में दर्द होना, इस तरह की जो आत्मविश्वास में कमी और ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, पर्सनैलिटी उसको अपनी ऐसी लगती है। किस तरह से मोटापा से होने वाली और बीमारियों की यदि हम बात करें तो हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, हमें डायबिटीज़ हो सकती है, इसकी वजह से और भी समस्याएँ हमें हो सकती हैं, ये आप मान के चलिए। अभी ब्रेक से पहले जो क्वेश्चन आया था कि एक पेशेंट को सोरोसिस था, तो हम उसके बारे में बता दें। सोरोसिस एक स्किन डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी स्किन जो है एकदम ड्राई हो जाती है, उसमें फ्लेक्स आने लगते हैं और फ्लेक्स झड़ने लगते हैं। तो ये इस परेशानी में हमें गाय का घी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाय का घी जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हम शोधन चिकित्सा कराते हैं बेसिकली, तो पेशेंट को रोज़ सुबह उठ के खाली पेट 2 चम्मच गाय के घी का सेवन करें। कोशिश ये करें कि गाय का घी कहीं आपको प्योर मिले, अपना निकाला हो तो बहुत अच्छा है। 6 दिन तक गाय का घी पीते रहें और 7वें दिन आप छोटी हरड़ को कैस्टर ऑयल में भून के उसको सुखा के उसका पाउडर बना लें। जब 6 दिन तक आप घृत पान करें और 7वें दिन आप उस पाउडर को लें, जिससे कि आपको बहुत सारे मोशन आए और आपके शरीर का शोधन हो जाए। और ये क्रिया आप हर हफ्ते करेंगे, 6 दिन तक आप घी का पान करेंगे और 7वें दिन आप इस क्रिया को बोलते हैं सद्य विरेचन क्रिया। 7वें दिन आप ये जो मैंने कैस्टर ऑयल में हरड़ बताई है इसका सेवन करेंगे, और जहाँ जहाँ आपको सोरोसिस के फ्लेक्स हैं वहाँ पर आप गाय का घी ही लगाएंगे। देखिएगा धीरे धीरे आपकी स्किन नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी और मिर्च मसाले कम करेंगे, और अगर कर सकते हैं तो नमक का सेवन जितना कम कर देंगे अपने खावन से उतना ही। बल्कि अगर आप एक कॉलर हमारे साथ कोई जुड़े हुए हैं उनसे उनका प्रश्न हम ले लेते हैं पहले। हेलो चलिए कंटिन्यू करिए। हाँ, तो नमक का सेवन अगर आप कर सकें, जैसे पिछली बार वो नेचुरोपैथी की हम बात कर रहे थे, तो नेचुरोपैथी में अगर आप एक हफ्ते तक सिर्फ किसी एक वस्तु पर रहते हैं, चाहे वो आप किसी भी फल पर रह लें या दूध पर रह लें या आप मट्ठे पर रह लें, किसी भी एक वस्तु पर रहकर आकाश तत्व की वृद्धि करें और नमक का सेवन बिल्कुल ना करें, घृत पान करें और विरेचन करें, तो आप देखिएगा आपका सोरोसिस धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और जो लोकल एप्लीकेशन करनी है वो भी गाय के घी की ही करनी है। बिल्कुल आपने सही बताया, स्किन को ठीक रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है, और स्किन को ग्लो रखने के लिए सबसे पहले वही वाली बात है कि आकाश तत्व हमारे अंदर होना चाहिए, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर हो। अधिक से अधिक योग अभ्यास, अन्य अभ्यास हम करें, सुबह हम टहलें और प्रतिदिन जो है स्नान करें साफ शुद्ध पानी से, और स्नान जो है वो बहुत आवश्यक है, तो हमारी स्किन जो है ठीक रहेगी। साथ में विटामिन सी संबंधित चीज़ें हम ज़रूर लेते रहें, इम्यूनिटी हम बढ़ाएं,
आंवला और नींबू का हम इस्तेमाल करते रहें तो निश्चित रूप से हमारी स्किन जो है वो ठीक रहेगी और भी बीमारियां जो है वो कंट्रोल रहेंगी। आजकल नीम का दातुन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है, तो यदि कभी मौका मिले तो टाइम टाइम पर, या आजकल तो नीम की जो पत्तियां हैं बहुत ही बढ़िया और कोमल कोमल पत्तियां आ रही हैं, उनका कलर भी कुछ थोड़ा डिफरेंट दिखेगा लाल रंग का, तो उन 4-5-6 पत्तियों को आप सुबह खाली पेट जो है चबा लें और बाद में थोड़ा सा पानी पी लें, तो ऐसा लगातार करते रहेंगे तो इससे भी स्किन हमारी जो है वो ठीक रहेगी और किसी तरह की खुजली या इस तरह की बीमारी और नहीं होगी। हम मोटापे की बात कर रहे थे, तो मोटापे से होने वाली बीमारियां हमने बताया आपको कि बहुत सारी बीमारियां मोटापे के कारण हो जाती हैं, और उन मोटापे की बीमारियों को यदि हमें रोकना है तो हमें वही आहार परिवर्तन हमें करना पड़ेगा, स्वस्थ जीवन शैली हम रखें, दिनचर्या का पालन करें, योग का नियमित अभ्यास करें, और वजन तो ऑटोमेटिकली हमें कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। धूम्रपान मद्यपान इस पर हम अंकुश रखें, ये आसानी से हम कर सकते हैं। आगे की हम आपको बताएंगे कि मोटापा इसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कैंसर की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल कैंसर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अफवाहें भी आती हैं और समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, तो मोटापे पर क्या हम प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद के माध्यम से या घर की चिकित्सा में हम दे सकते हैं, डॉक्टर रजनी जी बताएंगे। मोटापा जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसमें सबसे ज़रूरी तो आपको अपने आहार पे ध्यान रखना है। आप कभी भी पूरा अकंठक ना खाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि अगर हमें कोई चीज़ टेस्टी लगती है तो हम कहते हैं कि ठूस ठूस के खाओ, तो ठूस ठूस के ना खाएं, हमेशा 3/4 खाएं, 1/4 पेट खाली छोड़ें चर्निंग के लिए। पानी का जब भी इस्तेमाल करें गुनगुना पानी पिएं, जितना गुनगुना पानी पिएंगे उतना वो फैट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा। रात में सोते वक्त हम एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कॉल हम ले लेते हैं। हेलो हेलो जी बताइए। हेलो हाँ सुन रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं बताइए। जी मैम मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ बेबी जी। बताइए बोलिए बेबी जी बताइए क्या परेशानी है। जी मेरी शादी को 6 साल हो गए, गर्भ धारण नहीं होता है। अच्छा गर्भ धारण नहीं होता है, आपने टेस्ट कराए हैं सारे जी? आपने टेस्ट कराए हैं सारे, गर्भ धारण क्यों नहीं होता? कोई पॉलीसिस्टिक ओवरी हो या आप हाँ कोई आपकी ब्लॉकेज हो, टेस्ट कराए हैं अपने सारे? जी नहीं अभी कोई नहीं दिखाया। तो आप आपकी वैसे माहवारी ठीक ठाक आती है जी? आप मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में, आप बताइए। जैसा कि इनफर्टिलिटी की बात आ गई है, मतलब हम मोटापे की बात कर रहे थे, मोटापे से हम इनफर्टिलिटी पर आ गए हैं, तो मोटापा भी इनफर्टिलिटी का एक कारण है। अगर आप बहुत ओबीज होंगे तो वो सारा फैट जो होता है कई बार आपकी ओवरीज पे जम जाता है। आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, मतलब मैंने देखा है 16-17 साल की लड़कियों की को भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम देखने को मिलता है, जो कि उस टाइम उन्हें नहीं पता चलता है और शादी के बाद वो एक इनफर्टिलिटी का कारण होता है। तो जैसा कि अभी कॉलर के साथ हम जुड़े थे उन्होंने बताया, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, ये देखें कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम तो नहीं है या कहीं आपकी ट्यूब में ब्लॉकेज तो नहीं है जिसके कारण जो स्पर्म है वो ट्रेवल नहीं कर रहा है। ये सारे कारण देखने के बाद अगर आपको लगता है ऐसा मुझे कुछ नहीं है और फिर भी मैं कंसीव नहीं कर रही हूँ, तो उसका रीज़न होता है कि आपको ज़रूर कोई तनाव है, तो आप उस तनाव को दूर करें, हमेशा खुश रहें, तनाव को दूर करने की कोशिश करें, न्यूट्रिशनल डाइट लें, अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें खाएं जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो, जो कि आपको कंसीव करने में हेल्प करें। जैसे कि सर यहाँ पे हम इंटरप्ट करना चाहेंगे, आजकल जो लाइफ स्टाइल है, फिर वही वाली बात आती है कि लाइफ स्टाइल, हाँ जी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम ये भी है। लोग आजकल लगातार मोबाइल से जुड़े हुए हैं, रेडिएशन एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। रेडिएशन जो है वो कहीं किसी न तरह से टावर कहीं लगे हुए हैं, टावर से मोबाइल से हम लगातार संपर्क में हैं, कई कई घंटे तक मोबाइल पे हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो लोगों को पता नहीं चल रहा।
लेकिन यदि आप इसका रिसर्च में जाएं और इसको चेक करें तो इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण एक रेडिएशन भी आएगा। और ये कारण न केवल इसी का है बल्कि कैंसर जैसे घातक रोग का भी ये बहुत बड़ा कारण है। तो लगता है कि मुझे लगता है कि मोबाइल और रेडिएशन से बचने का हम प्रयास करें, जितना कम से कम हो सके हम मोबाइल का इस्तेमाल करें, जहां आवश्यक हो उतना हम मोबाइल का हम प्रयोग करें। और जैसा आपने बताया कि खाना जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक लें, यानी संतुलित आहार हम लें, और योग अभ्यास नियमित करें तो हम सामान्य हो सकते हैं। इसमें जिसको योग अभ्यास नहीं पता है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो ओम चैंटिंग तो लगातार 10 मिनट 15 मिनट कर ही सकते हैं। यदि वो एकांत में बैठ करके ओम चैंटिंग भी करते हैं एकाग्रता के साथ, तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य में एक बढ़िया कहना चाहिए ब्राइटनेस आएगी, उन वो हेल्दी होंगे और कई तरह की बीमारियों से उन्हें निजात मिलेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। चूँकि समय हो रहा है और हम एक हमारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बच रहा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कैंसर, तो इस पर तो हम आज अब बात नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक भी बड़ा है और ये सामान्य बात नहीं है। हम अगले किसी कार्यक्रम में आपके साथ फिर बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये जो कार्यक्रम है, ये 3 सीरीज इसकी अब तक हो चुकी हैं और ये आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर लेकर के भेजिए कैसा आपको ये कार्यक्रम लगा, क्योंकि ये शैक्षिक कार्यक्रम भी है और चिकित्सा से संबंधित कार्यक्रम भी है। यहाँ पर मेरे साथ चिकित्सक पैनल में डॉक्टर मोनिका इससे पहले रहीं, साथ में डॉक्टर रजनी जी रहीं, आज डॉक्टर रजनी मेरे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर गोपाल जी जो हमेशा स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते रहे हैं और स्पोर्ट्स के माध्यम से हमेशा योग को बढ़ावा देते रहे हैं, पूरी तरह से स्वयं भी योगी हो चुके हैं और बहुत बढ़िया योग सिखाते हैं। इनको देखने से लगता नहीं है कि ये योगी होंगे, लेकिन जो इनकी झलक है या जब वास्तविक रूप से इनको देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि एक योग के आध्यात्म गुरु के रूप में हमें नज़र आएंगे, ऐसा हम देखते हैं। तो डॉक्टर गोपाल जी ने काफ़ी बड़ा मतलब काम इस बार किया है, बांग्लादेश में जो अपना परचम लहराया, NIS के स्टूडेंट्स भी उनकी टीम में शामिल रहे हैं और वो हमारे साथ जुड़े हैं। गोवा में ऑलरेडी उनका एक बहुत अच्छा सेंटर जो है वो अभी स्टार्ट होने जा रहा है, जो NIS से एफिलेटेड है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए हम आप सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ ये कार्यक्रम में बने रहे हैं, जिन लोगों ने प्रश्न पूछे हमें उम्मीद है कि उनको उनका आंसर मिल गया होगा, और जो लोग नहीं पूछ पाए हमारी प्रयास होगी, हम उनसे माफ़ी चाहेंगे। आगे हमारे किसी कार्यक्रम में वो हमारे साथ फिर जुड़ें, हम आपके साथ फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर रजनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और डॉक्टर गोपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे कार्यक्रम में आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।